रहे ना, तो मैं चाहता हूँ कि भाई इसको धक्का मार के ना बाहर निकाले बिग बॉस से। तो गाइस आप लोगों को अदनान 007 और एल्विश यादव की कंट्रोवर्सी के बारे में पता ही होगा। जब एल्विश यादव ने अदनान को बुरी तरह रोस्ट किया था, मीडिया ने जब अदनान से बिग बॉस और एल्विश यादव के बारे में सवाल पूछा, तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। अभिषेक भाई तो इनका पूरा एक ग्रुप है जो काफी अच्छा है, ट्रेंडिंग पर है, तो क्या लगता है कौन जीतेगा ये तीनों में से? मैं तो चाहता हूँ मनीषा जीते, और ऑन द अदर साइड देखेंगे तो अगर लड़का बोलेंगे तो मेरे हिसाब से लड़का अभिषेक फुकरा इंसान बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही रियल है। वो सिस्टम वहाँ पे हैंग हो गया सलमान भाई के सामने, और बहुत ही वो फेक पर्सनैलिटी है। क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे वन ऑफ द वेलविशर ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो हमारे फैंस के बारे में, टीम 07 के फैंस के बारे में और सलमान भाई के फैंस के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला है। झुग्गी झोपड़ी वाले हैं तो जाहिल है, तो पैसे नहीं रहते हैं, बाल कलर करते हैं। तो अलहमदुल्ला अच्छा हुआ भाई ने अभी तक का देखा नहीं है शायद, पर झुग्गी झोपड़ी वाले अभी यहाँ तक पहुँच गए, और भी बहुत सारे झुग्गी झोपड़ी वाले जो बहुत कुछ अचीव किए। एग्जाम्पल वन ऑफ द झुग्गी झोपड़ी वाले में हम लोग आते हैं जैसे, वैसे एम ई वे बंटाई भी है और भी बहुत सारे नाम हैं। तो झुग्गी झोपड़ी से निकल के हम लोग ये लेवल पे पहुँच रहे और खुद के दम पे पहुँच रहे, और किसी को नीचा दिखा के किसी को गालियाँ दे के, तो सलमान भाई के बारे में भी इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं और सामने आके अभी भाई भाई कर रहे हैं। और अगर भाई ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो मैं चाहता हूँ कि भाई इसको धक्का मार के ना बाहर निकाले बिग बॉस से। तो गाइज आपको क्या लगता है, क्या सिस्टम हैंग हो गया है बिग बॉस में या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।